हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब अच्छे होंगे मजे में होंगे सो बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस होता कैसे है इसका मैकेनिज्म जानना जरूरी है देखिए मैकेनिज्म इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके जब आप किसी चीज का मैकेनिज्म जानोगे ना तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी आपको याद हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा तो कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा ओके सो लेट्स हाउ डू ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम मदर एंड फादर वन द जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर इन डी है ना सवाल ये उठता है कि कैसे ऑफ जो होते हैं ये इनहैरिट करते हैं ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करते हैं सिंगल सेट ऑफ जीन्स को फ्रॉम पेरेंट्स से क्योंकि हमेशा आपने देखा हुआ है कि ये जो जीन्स होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से एक कैसे आ जाएगा ये सोचने वाली बात है ओके okay? है ना यही इसी सवाल का जवाब आज हम लोग देखेंगे लेट अस अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस विथ एन एग्जाम्पल ओके सो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस आप सबने देखा था इसकी वीडियो प्रेजेंट है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम आपको उसके लिए कार्ड लगा देंगे आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लीजिएगाब्रिड क्रॉस का मतलब होता है बच्चों की कोई एक कैरेक्टर को लेके ऑफ स्प्रिंग्स में वो कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं या कौन सा इनहेरिट हो रहा है ये चेक करना डाई का मतलब होता है दो कैरेक्टर दो कैरेक्टर जैसे यहाँ पे देखिए राउंड सीड है और येलो कलर राउंड सीड है कलर कौन सा है येलो अब इसका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है दैट इज रिंकल सीड एंड ग्रीन कलर दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने जो लिया है दैट इज रिंकल सीड एंड ग्रीन कलर तो ये दो कैरेक्टर हो गए एक तो सीड का शेप कैसा है दूसरा उसका कलर है ओके okay? दो चीज हो गई है इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड

लेट सपोज द जीन ऑफ डोमिनेंट येलो कलर ये से से है capital y, और ये dark blue color से दिखाया गया है अब जरा हम लोग लोग का देख लेते लेते हैं so, देखो जब भी आप कोई भी आप कोई हो ना तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल लेटर से और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो स्मॉल लेटर से बस इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये चीजें स्टैंडर्ड हैं इसको ऐसे ही लेना पड़ता है क्लियर नाउ लेट सपोज द जीन ऑफ रिसेसिव रिंकल्ड शेप कैपिटल आर आर इज शोन विद लाइट रेड यहां पे बेटा स्मॉल आर होगा ये इज स्मॉल आर और ये जो स्मॉल वाई है ये लाइट ब्लू कलर से दिखाया गया है क्योंकि ये रिसेसिव ग्रीन कलर है हम नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम द पैरेंटल जीन्स अब क्या करना है सबसे पहले सो so, सबसे पहले जैसे करते आते हैं गैमेट्स क्रिएट करेंगे गैमेट्स बन जाएंगे सी ये बना गैमेट और ये बन है ना एक रेक्टरिया से यहाँ 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 से यहाँ से ये आ गया यहाँ से यह यहाँ से ये ओके सो ये बन गए जीन से फाइन नाउ अब इनकी जरा एफ वन देखेंगे देखेंगे क्या शो करता है अगर आप सबको आइडिया हो या पता हो कि इनकी एफ वन तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि, कि किसने जल्दी बनाया है

रेड लाइट रेड ब्लू और ये लाइट ब्लू दोनों कैरेक्टर्स आए है ना लेकिन ये जो कैरेक्टर्स आए हैं बच्चों ये राउंड और येलो कल, कलर ही अपीयर करेंगे विजुअलाइज होंगे यहाँ पे फाइन सी द प्रोजेनी शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड एंडसिव जीन्स फ्रॉम द पेरेंट बट द फिनोटाइप फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जैसे उनका अपियरेंस हो रहा है फिनोटाइप ऑफ ऑफ ऑल द इज राउंड एंड येलो पहले ही हमने आपको बताया ये भी राउंड येलो ये भी राउंड येलो ये भी राउंड येलो ये भी राउंड येलो बिकॉज राउंड जो शेप है राउंड और जो कलर है येलो ये डोमिनेंट है यहाँ पे जो ग्रीन और रिंकल्ड है ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप ये कैरेक्टर Clear? तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ नाउ आगे बढ़े हम लोग सी राउंड जरा और देखें so when, F1 प्रोजेनी, ये जो तैयार हुई करवा देंगे तो जो गैमेट फॉर्म होंगे अब यहाँ पे गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं ये 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 इनके गैमेट्स ये बनेंगे क्लियर जितने पॉसिबल गैमेट से आप बना लीजिए फाइन। वी कैन ऑब्जर्व आर टू पैरेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है राउंड येलो राउंड और ये क्या होगा ग्रीन ये होगा रिंकल्ड येलो और ये होगा रिंकल्ड ग्रीन क्लियर ओके सो यहाँ पे दो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन फाइन नाउ एंड टू हाइब्रिड कॉम्बिनेशन और दो यहाँ पे ये दोनों देखिये हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है हम ये दोनों हाइब्रिड so कॉम्बिनेशन है ये इनहेरिट कर रही है सिंगल जीन को पैरेंट से देन टू कैरेक्टरिस्टिकेप एंड सीट कलर वु ईच अदर दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे एंड द हाइब्रिड गैमेट नॉट बी फॉर्म और हाइब्रिड गैमेट फॉर्म नहीं हो पाएगा बट दिस इज नॉट द केस इन द एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट के केस में ऐसा नहीं हुआ था चलिए आगे आते हम लोग सो इफ द एक्सपेरिमेंट वी कैन सी बोथ पैरेंट एंड हाइब्रिड गैमेट सो इट इज एक्सप्लेन ई जीन सेट सी कलर इज प्रेजेंट नॉट एज सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं कि ये जो पेरेंट हैं और इनके जो हाइब्रिड गैमेट्स ये बने हुए हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करें दैट हर एक जीन का सेट जो है सीड सीड का शेप या कलर की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं कोई एक सिंगल थ्रेड नहीं होता है डीएनए का बट ये प्रेजेंट होते हैं सो बट एज एपरेट इंडिपेंडेंट पीसिस ईज कॉल्ड एज क्रोमोजोम अगर सबको सेपरेट करके देखा जाए बच्चों तो सबको क्या कहेंगे क्रोमो जो दैट इज दो Zone. पहले ही हमने आपको पिछले वाले आ, जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे ये चैप्टर के पिछले वाला वीडियो उसमें हमने आपको बताया था सेल विल हैव टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम वन मेल एंड वन एंड फीमेल पेरेंट हर एक सेल जो होता है इसके पास दो कॉपीज होती हैं हर एक क्रोमोसोम की एक मेल की होती है और एक फीमेल की है ना मेल और फीमेल दोनों की होती है सो so, जब दो जर्म सेल कंबाइंड होते हैं जब दो जर्म सेल कंबाइंड होते हैं दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ इन द प्रोमोजोम वो क्या करेंगे जो नॉर्मल नंबर ऑफ प्रोमोजोम होते हैं उसको रीस्टोर कर देते हैं किसमें ऑफ स्प्रिंग में जिससे श्योरिटी क्या मिलती है दैट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीशीज उससे डीएनए की डीएनए uh, की जो स्टेबिलिटी होती है वो श्योर sure हो जाती है जो भी डीएनए फॉर्म होता है वो एकदम पक्का हो जाता है कि हाँ वैसा ही डीएनए फॉर्म होने वाला है क्लियर सो सच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ये जो मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का ये एक्सप्लेन करता है ये पूरी चीजें हमने में पढ़ी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में सो दीज ऑल प्रूव दैट द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल समझ में आया इनहेरिटेंस होता कैसे है दोनों पेरेंट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने ये आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि जीन्स जो होते हैं मर्ज हो जाते हैं ग्राइंड अप हो जाते कभी नहीं होता जीन हमेशा खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट करता रहता है और वो कभी भी मिक्स होके नहीं करता वो इंडिविजुअल करता है ये हो सकता है कि कोई एक डोमिनेंट हो जाता है कोई एक हो जाता है तो जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं बच्चों तो वो अपीयर होता है नहीं होता है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि वैसा ही कोई रिसेसिव कैरेक्टर उसके साथ और मिल जाए तो दोनों कैरेक्टर मिलकर अपने आप को अपियर कर देते हैं क्लियर दैट्स ऑल मेंडल एक्सपेरिमेंट इतना ही था हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक आपको कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो टेक केयर गुड बाय